धनिया पत्ता भी मिला दिया, बादाम भी मिला दिया और इसमें सिर्फ रह गया नमक मिलाना। तो ये नमक है इनके रेडी है, साबूदाना का पकोड़ा। वाव क्या मस्त दिख रहा है ना, खाने में तो और मजा आएगा। बर्थडे है बाबू ने सर मारा है, बर्थडे है, बर्थडे है लड्डू का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। हैप्पी नवरात्रि हमारे पूरे फैमिली की तरफ सभी को, और जय माता दी, जय माता दी, लड्डू, जय माता दी, लड्डू। देखिए कैसे कर रहा, देखिए देखिए फट से हाथ उठाता जय माता दी करता है। और अभी हमारा पंडित आया है, हम आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग पंडित से सारा कुछ पूछेंगे कि इस बार का पूजा कैसे क्या है। तो सारा कुछ इस बार गड़बड़ हो, गड़बड़ क्या हो लेकिन सबका हुआ है बहुत, मतलब सुबह सुबह भोर को पूजा, इस बार डंडी देना पूजा, बहुत कुछ कैसे क्या होगा कुछ पता नहीं है। मेरा नौवीं पूजा कैसे होगा वो भी सुबह सुबह भोर को 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, 4 बजे से स्टार्ट होगा। हम लोग कपड़ा नहीं खरीदे, मेरी बहन बोल रही अच्छा हम लोग कपड़ा नहीं खरीदे, हम लोग रात में जो घूमने का डिसाइड हुआ था वो रात में भी घूमना होगा कि नहीं होगा वो भी अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं है, क्या होगा कुछ नहीं समझ में आता। अब हमारा पंडित आया है, पंडित जी अभी रेडी रहते कटारी लेके खड़ा है, घड़ी देख रहा है, तब टाइम हुआ तब जाके हम लोग का पंडित है, हम लोग का पंडित हम लोग को सारा कुछ बता दिए कैसा क्या नियम है, बस वो नियम से हम लोग को भी चलना है। और घूमने का कुछ अब पता नहीं, हम लोग को घूमना होगा कि नहीं होगा घूमना कुछ अभी पता नहीं, इस साल हमको जैसा लग रहा नहीं होगा घूमना। बाबू बोले रहे थे कि इस साल हम लोग नहीं घूमेंगे, इस बार का पंडाल सब उतना खास नहीं बना है ना। हाँ हम लोग का गाड़ी भी ख़राब हो गया, आप लोगों को बताया नहीं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रहा है, स्कूल वैन ख़राब हो गया है और अभी उसको भी बनाना है, पैसा भी नहीं है, क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कतें दिक्कत हो रहा है यार, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, माता रानी सब पार कर देगी, माता रानी का आशीर्वाद बने रहे सब पार कर देगी, बोलते ना कुछ अच्छा होने के लिए कुछ चीज़ पार करके चलना पड़ता है सब, मतलब भगवान भी देखते हैं कि लोग कितना हर चीज़ मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं, तो इसीलिए हर चीज़ बर्दाश्त करके मतलब पार हो जाएंगे तो माता रानी और खुश हो जाएंगे। देख रही माता रानी सुबह से बेचारा जानते हैं घर में खाना नहीं कुछ नहीं, और शाम में जो थोड़ा सा खिचड़ी भोग जो लाया था वो खा के जो निकले, और उसके बाद फिर अभी घुस रहे घर, सुबह से गाड़ी के पीछे पड़े हैं गाड़ी बनाने का, लेकिन गाड़ी बना नहीं अभी तक, खर्चा भी बहुत है गाड़ी में, देख पता नहीं क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप जाइए ना मार्केट, धनिया पत्ता के लिए 10 का ला दीजिए, पाए बनाएंगे साबूदाना का पकौड़ी जरूरी है। हाँ धनिया पत्ता डालेंगे आदम ना अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ डालेंगे नहीं, सिर्फ मिर्चा नमक और धनिया पत्ता ही रहेगा बस, और थोड़ा सा अदरक घिस के डालने से डालेंगे। नहीं उठाओगे जाइए ना, थोड़ा सा लेके आइए धनिया पत्ता 10 रुपए का लगे। हाँ कहाँ पे गुरुगोपाल क्या हुआ है, वो बना रहा क्या हुआ गुरुगोपाल में? नहीं रुके क्या हुआ पता नहीं यार, इतने आते हो उधर से। तो चलिए अब हम आ गए किचन में और अभी बनाएंगे साबूदाना और आलू मिला के पकौड़ा करेंगे। तो कैसे बनाएंगे तो चलिए आप लोगों को आज पूरा रेसिपी दिखाते हैं। फास्टिंग के दिन में जो जो नवरात्रि पूजा करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा ये डिश, तो चलिए आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हम 5 आलू ले लिए थे, 5 आलू बॉईल कर लिए थे, और इसके बाद अभी ये चिटकेंगे आलू को, और यहाँ पे 4-5 मिर्चा ले लिए, जो तीखा खाना पसंद करते हैं वो थोड़ा मिर्चा ले लीजिएगा और जो नहीं करते हैं तो वो मत लीजिएगा। तो और यहाँ पे ले लिए साबूदाना, साबूदाना हम शाम से भिगो के रख दिए थे, बहुत अच्छा से भीग गया है साबूदाना, अब साबूदाना को निचोड़ के इसमें डालेंगे, सारा साबूदाना निचोड़ के इसमें डाल देंगे, और यहाँ पे है लाल बादाम भी इसमें मिला देंगे, धनिया पत्ता भी मिला दिया है, बादाम भी मिला दिया है, और इसमें सिर्फ रह गया नमक मिलाना। तो ये नमक है, तो ये सिंधा नमक है, तो ये हम लोग फास्टिंग में खाते हैं, तो ये अपने हिसाब से मिलाएंगे, बस ये नमक मिला के इसको अच्छा से पूरा सान लेना है। और इधर कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, अब बहुत टेस्टी लगता है ऐसा, मतलब साबूदाना का पकौड़ा, साबूदाना का वैसे भी दूध का मतलब बना के खाने से, या फिर साबूदाना का हलवा बनाइए या खीर बनाइए, कुछ भी बनाइए साबूदाना का बहुत टेस्टी लगता है। हम तो पकौड़ा बना रहे हैं,
कल साबूदाना का हम ये बनाया था, आलू बादाम देखे, आपका उपमा जैसा बनता है ना वैसे ही बनाए थे, बहुत टेस्टी बना था। अभी फास्टिंग में यही सब खाना है, पूरे इसको अच्छा से मिला लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से पूरा मिला लिए हैं, ऐसा पानी उनी ऐड नहीं करना, पानी ऐड मत कीजिएगा भूल से भी, नहीं तो पूरा गिल्ला हो जाएगा। पूरा अच्छी तरह से सान लिए इसको, और अब इसको ऐसे छोटा छोटा करके पकौड़ी जैसा तलेंगे। पकौड़ी जैसे भी तल सकते हैं, और नहीं तो चॉप जैसे ही बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा रिफाइन तेल लेके हम ले लेते हैं, रिफाइन तेल थोड़ा सा हाथ में, रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा हाथ में, रिफाइंड ऑयल लेके हाथ में ऐसा करके, और छोटा छोटा चॉप जैसा देखें कितना सुंदर बन गया चॉप जैसा। अब इसको तेल में छोड़ सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं बनाएं क्योंकि ऐसा बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और हमारे गुरु पंडित जी भी हैं, इस तरह का चॉप जैसा बना लेना है। तो हम इस तरह का नहीं बना रहे, हम सिर्फ छोटा छोटा पकौड़ा डायरेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु पंडित जी भी आया है तो उनके लिए मतलब लेट हो जा रहा है, तो ये बनने में टाइम लगता है थोड़ा। देख रहा हाथ में चिपक जा रहा है, बस इसी तरह बना के तेल में छोड़ना है। बट हम ऐसा नहीं बना रहे, हम सीधा पकौड़ा बना रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं। इधर देखो, देखिए कितना अच्छा सा पकोड़ा बन के रेडी है, साबूदाना का पकोड़ा। वाव क्या मस्त दिख रहा है ना, खाने में तो और मज़ा आएगा। बट नमक कैसा, नमक एक बार टेस्ट करके देख रहा है, क्योंकि ये जो सिंधा नमक है ना, ये वाला थोड़ा मेरे को कंफ्यूज होता है, तो इसीलिए नमक कैसा है टेस्ट करके देखना होगा, उसके बाद हमारे गुरु जी को देंगे। इसी तरह सारा पकौड़ी हम कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम, कल आधा मेरा ब्लॉग बना था। और हैप्पी नवरात्रि हमारे पूरे फैमिली की तरफ सब सभी को, और जय माता दी आप सभी को। और मेरा सुबह घर का काम सारा कंप्लीट हो गया, पूजा भी हो गया है मेरा, और अभी हम बना रहे हैं खाना, क्योंकि हमको मार्केट निकलना है और शॉपिंग वगैरह थोड़ा बहुत करने के लिए दुर्गा पूजा का। और कल मेरा आधा ब्लॉग हुआ था, पंडित जी आए थे जब बोले साबूदाना का बनाए थे पकौड़ा, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाया, तो फिर अभी हम सुबह मॉर्निंग में कर रहे हैं। पूजा वूजा मेरा ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म करके, मतलब पूजा वूजा करके उसके बाद अभी हम ब्लॉग स्टार्ट किए। और आज माता रानी के लिए हम माता रानी का पसंदीदा भोग बनाए हैं, तो क्या बनाया चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं, और आप लोग भी प्रसाद थोड़ा थोड़ा खा लीजिएगा, ठीक है। चलिए जय माता दी आप सभी को, प्रेम से बोलिए जय माता दी। और अभी हमको ऊपर से बॉइल्स डालना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान को जब प्रसाद लगाते भोग लगाते हैं तो उस टाइम मतलब बात नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हम उस टाइम बात नहीं किए थे। बहुत लोग कमेंट भी आप लोग करते थे कि बात नहीं करना चाहिए, तो वो बात तो सही है, प्रसाद बनाने के टाइम भी बात नहीं करना चाहिए, और प्रसाद भगवान को चढ़ाने के टाइम भी बात नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए हम सिर्फ कैमरा वीडियो बनाए हैं, ऊपर से बॉयज डाल रहे हैं, और भगवान जी को हम प्रसाद चढ़ा दिए हैं। तो ये प्रसाद में आज हम बनाए हैं साबूदाना का खीर, तो कैसा बना हमारा प्रसाद आप लोग भी आइए। प्रसाद अभी हम मतलब सुबह ही चढ़ा दिए थे भगवान को, अभी प्रसाद वहाँ से निकाल के हंडी में डालेंगे, उसके बाद हम लोग सब मिलके प्रसाद खाएंगे, तो आप सब भी आ जाइए साथ में मिलके सब प्रसाद डाल के, फिर हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाएंगे। तो कैसा लगा हमारा आज का प्रसाद कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और अभी हम जा रहे रेडी होने के लिए, क्योंकि हमको निकलना मार्केट, मेरी सास दी है पैसा कुछ कुछ सामान लाने के लिए, तो लेके आएंगे वो सब भी, तो जो 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 लेके आएंगे आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे। और कल है लड्डू का बर्थडे, तो लड्डू का बर्थडे के लिए भी थोड़ा बहुत देखते हैं बैलून वगैरह
या केक जो भी है, जैसा भी छोटा मोटा सेलिब्रेट करेंगे तो वो सबके लिए भी सामान लाना पड़ेगा ना। तो जाएंगे अभी हम लोग मार्केट। हाँ, हमारे बाबू सिर्फ जाएंगे ना लड्डू, देखिए बोलेगा ना जय माता दी। बैठा ना तो बैठा ना लड्डू, बोलो बेटा जय माता दी, बोलो ना बेटा। देखिए मारेंगे तुमको, तेरे मम्मी का ब्लॉग में तो तुम ऐसा नहीं किया, मेरा ब्लॉग में ऐसा करेगा? कर दे बेटा जय माता दी। सोना जय माता दी, कर दे सोना, सारे बोलो जय माता दी, कर दे बेटा जय माता दी। बहुत बदमाश है अभी मनीषा का ब्लॉग में, कितना बार कितना अच्छा से जय माता दी, जितना बार बोले ना उतना बार किया है, और अभी नहीं कर रहे तो बाद में बोलो जय माता दी। कल मेरा लड्डू पूरे एक साल का हो जाएगा, कल मेरा लड्डू का बर्थडे है। अभी से मम्मा हैप्पी बर्थडे बोल दे रही है एडवांस में, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अब्बा देखिए, अब्बा देगा, अब्बा देते बेटा, अब्बा अब्बा जा भाग भाग। बहुत बदमाश, हाँ बहुत बदमाश हुआ। माँ का परा हो क्या है यार, अभी पापा का परी बन के जा रहे हैं। और यहाँ पे हम खाना भी चढ़ा दिए, चावल हो रहा है यहाँ पे ना, सारा जो जो सब्जी था सारा मिला के एक ही बार हम सब्जी चढ़ा दिया है। और बाबू मनीषा पीहू बच्चे लोग खाएंगे, और हम अभी हम लोग निकल रहे हैं, खाना कम्प्लीट होगा हम तुरंत रेडी होके निकलेंगे। तो चलिए फिर हम जाते हैं शॉपिंग के लिए, और ये ब्लॉग को फिर यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग खोल रहे, रो रहा है, आपने बंद कर रहा है, छोड़ दिए। आ जा बेटा, आ जा सब ना, ना रो बेटा, निकल 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 जा। तो चलिए फ्रेंड, ये ब्लॉग को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी मार्केट निकल रहा है। आप लोगों को कितना बार बोल दिया ना ये बात, आप लोग भी बोले कितना बार बोलती है, पता नहीं भूल जाते हैं, रिपीट करने लग जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं लड्डू के साथ, लड्डू का ब्लॉग, लेकिन मतलब लड्डू का बर्थडे का ब्लॉग आएगा। लड्डू का लड्डू तो बर्थडे है, ये बापरे बर्थडे है, बर्थडे है, बर्थडे है लड्डू का, बर्थडे खाना है, क्या खाना है, कितना खुशी, बाप रे खाना है मामा, क्या कदम होगा, इतना खुशी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, बाय कर दो बेटा, बाय टाटा टाटा, बाय, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग का, वेट कीजिएगा और प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और चैनल में जो नहीं हुआ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय गाइस, बाय बाय, बाय कर दे, बाय कर दे, बर्थडे है।